क्लास 12 मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.2 का आगाज करेंगे, जिसमें उसने कहा कि हमें रियल वैल्यूड फंक्शंस दिए हुए हैं। दो फंक्शन है, एक f और एक g, वो दोनों डिफाइन किए हुए हैं। नीचे f भी डिफाइन कर दिया और g भी फंक्शन डिफाइन कर दिया, और उसने हमसे मांगा है कि f of g of x भी बताएं क्या आता है, g of f of x भी बताएं, f of f of x भी बताएं और g of x भी बताएं कि इनकी वैल्यूज क्या हैं। सबसे पहले हम f of g of x निकालेंगे। देखें, उसने कहा f फंक्शन लीजिए, उसके अंदर g of x पुट कर दें। f ये वाला फंक्शन है, ये वो वाला, ये वाला फंक्शन f of x है। ये फंक्शन आप ले लें, f of x किसके बराबर है, 2x plus 1 के। ठीक है, हम पहला पार्ट कर रहे हैं, पहले का a पार्ट। f के अंदर हमें जहां x है वहां g of x पुट करना है, तो इस x की जगह पर आप g of x रख दें। अगर इधर आपने x की जगह पर g of x रखा है, तो इधर भी आप x की जगह पर g of x रखेंगे, plus का मान as it is। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो o लगा देंगे। f of g of x, of basically ब्रैकेट को ही कहते हैं, 2 into g of x, g of x उसने डिफाइन किया हुआ था, वो था 3 over x minus 1 और ये plus का 1 as it is। सिर्फ आपने g of x की जगह पर g of x की जो वैल्यू दी हुई थी वो पुट कर दी। ठीक है, 2 को अगर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6 ओवर x माइनस 1 प्लस का 1। इन दोनों का एलसीएम ले लें, इसका डिनोमिनेटर 1 ले, x माइनस 1 और 1 का एलसीएम x माइनस 1, x माइनस 1 को x माइनस 1 पे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, x माइनस 1 को 1 पे डिवाइड किया, x माइनस 1 ही बचा, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 1 बनेगा। तो ये बच्चों x एज इट इज 6 माइनस 1 प्लस का 5 और बटे में x माइनस 1 पे पड़ा है, यही रिजल्ट है f ऑफ g ऑफ x का। ठीक है, ये चीज उसने हमसे मांगी। ओके, अब इसका b पार्ट भी करते हैं। जो इसका b पार्ट है, उसने कहा कि g के अंदर f ऑफ x पुट करें। g ये वाला फंक्शन है, ये वाला है, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन हम इधर लिखेंगे, g ऑफ x इज इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 1, वेयर x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि x की जगह पर अगर 1 हो जाए तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। उसने कहा है कि ये फंक्शन ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, मतलब 1 के लिए डिफाइंड नहीं। ओके, हमें इस g के अंदर f पुट करना है, g के अंदर जहां x पड़ा है ना वहां f of x पुट करना है। अगर x की जगह पर आपने f of x पुट किया है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी x की जगह पर f of x पुट करना है। ठीक है, तो ये g of f of x जो है ये as it is, आप इस ब्रैकेट को खत्म करना चाहते हो तो खत्म कर लो, लेकिन इधर ऑफ लगा दो, इज इक्वल टू 3 ओवर f of x की वैल्यू ऑलरेडी इसने दी हुई है, f of x की वैल्यू 2x plus 1 दी है, वो इस f of x की जगह पर पुट कर दें 2x plus 1 और माइनस का 1 ऑलरेडी। ये माइनस 1 प्लस 1 एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, दोनों कट के एडिटिव एडिट किया, अगर भी जो पे 0 है तो 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिजल्ट आ गया 3 ओवर 2x। ये g of f of x का रिजल्ट है, ये भी उसने हमसे मांगा। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट्स हमने निकाल के दे दिए। अभी उसने हमें f of x भी मांगा है। ठीक है, c पार्ट हम करते हैं, f of x उसने मांगा है। ये चीज निकालने के लिए ना पहले हम f of x लेते हैं। f फंक्शन ये वाला है, ये वाला है, ये वाला फंक्शन f of x, ये f of x यहां देखिए, f of x हमें दिया हुआ है 2x plus 1 के। हमें उसने कहा सी पार्ट के अंदर कि f के अंदर f ही पुट करना है, जहां x है वहां भी आपने f of x भी पुट करना है, तो इधर भी x की जगह पर f of x और प्लस का 1 as it is। तो इसको यूं लिखा जा सकता है, f of x which is equal to 2 into f of x किसके बराबर है, f of x हमारे पास है 2x plus 1 और ये प्लस का 1 है, सिर्फ f of x की जगह पर f of x की वैल्यू पुट कर। ठीक है, तो ये f of x का रिजल्ट किसके बराबर आ गया, 4x plus 2 plus 1, ये 4x वैसे ही 2 plus 1 3 हो गया, तो ये बच्चों f of x की वैल्यू हमने निकाली है। तो ये एक पार्ट रह गया g of x, ये आप खुद करना चाहो तो भी ठीक है, अगर आप मुझे कहते हो तो मैं कर देता हूं, कर दो, चलो देखें, हमने g फंक्शन लेना है, g फंक्शन लेना है और उसके अंदर x की जगह पर भी g of x ही पुट कर रहे हैं, d पार्ट हम कर रहे हैं। उसने कहा g फंक्शन लीजिए, g फंक्शन कौन सा है, ये वाला या ये वाला, ये फंक्शन g of x है, ये आप इधर लिखेंगे 3 ओवर x माइनस 1, इस g के अंदर जहां x है ना वहां पर भी आपने x of x का g of x पुट करना है, तो अगर आपने इधर x की जगह पर g of x रखा तो इसमें भी x की जगह पर g of x पुट करना है।
इक्वल टू 3 ओवर g(x) की ये वैल्यू उठाओ, इस g(x) की जगह पर पुट कर दो 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और माइनस का 1 वैसे। तो ये g(x) की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी 3। इस डिवीजन को यूं लिख देता हूं, बाकी 3 ओवर x माइनस 1 माइनस 1 ये पूरे का पूरा डिनोमिनेटर था इसलिए ब्रैकेट में छोड़ दिया कि ये पूरा डिनोमिनेटर ठीक है 3 डिवाइडेड बाय इन दोनों का एलसीएम ले लो, इस 1 का डिनोमिनेटर को लिए तो इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, x 1 एलसीएम आ गया, x 1 को x 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 है, x 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया x 1, x 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे, x 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे, ये बन गया 3। डिवीजन को चलो एज इट इज रखो 3 माइनस x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 ठीक है। तो अब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो कर लो, x माइनस 1 चला जाएगा ऊपर और ये 3 प्लस 1 4 माइनस x नीचे आ जाएगा, तो ये बना 3 इंटू x माइनस 1 ओवर 4 माइनस x, इतना भी ठीक है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो भी ठीक है, 3x माइनस 3 ओवर 4x सॉरी 4 माइनस x ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया g ऑफ g(x), बात समझ आ गई, ये हमने अभी पहला पार्ट किया।